ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ, मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है, सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। अब देखिए, अब ये दावे और वो अभी कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, ये सारी बात होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब बात होगी। नतीजा है, चलो तरह तरह की बातें लोग करते हैं, अब हर व्यक्ति का तो कोई जवाब देने की जरूरत भी नहीं होती है। सर, आम आदमी पार्टी भूमिका निभाएगी, सुशील गुप्ता का भी बयान आया, उन्होंने कहा हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो साथ लेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी नाम की चीज कहीं नहीं है, और ना वो थी चुनाव के दौरान, ना उनकी कहीं पर मौजूदगी पता लगी है कहीं पर। अब वो ठीक है, जो बिल्कुल जमानत जब्त वाला उम्मीदवार होता है वो भी कहता है मैं एक नंबर पर आऊंगा, ये तो चुनाव का सिद्धांत है। मेहनत काफी रही है और यही वजह है कि ये एग्जिट पोल भी नजर आ रहे हैं। अभी अपने अपने आकलन है, अभी मैं नहीं करूंगा जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाता। सर, आखिरी क्वेश्चन, आपको भाजपा को पड़ेगा नुकसान होगा इस चुनाव में? मेरा ख्याल नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का बूथ वाइज हमने देखा था, और वो बूथ जहां पर 100% किसान ही रहते हैं वहां से भी हम जीते थे। किसानों के मुद्दे हैं, लोकतंत्र में मुद्दे होते हैं, उठाए भी जाते हैं, उनका असर भी होता है, परंतु कितना होता है इसका आकलन करना होता है। तो मेरा ख्याल इतना नहीं होगा।